भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी आजकल बहुत लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, बहुत रहता जब से धारण किया पगड़ी तब से और ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं। उनका मैं एफिडेविट आपको दिखाता हूँ, इलेक्शन एफिडेविट 2005 में इनका नाम है राकेश चौधरी। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का दो कैंपस है, जरा जानिए ये लोग कितना बड़ा अखंड वाला है सब ज्ञानी। इसका एक नॉर्दर्न मेरी आइसलैंड है, द्वीप है, वो अमेरिका का हिस्सा नहीं। अमेरिका दावा करता है कि वो हिस्सा मेरा है, लेकिन जापान कहता है कि मेरा है, और वहां पर इसका एक ब्रांच खुला हुआ है नॉर्दर्न मेरीना आइसलैंड। दूसरा कैंपस है डेलावेरे राज्य के सेवास काउंट में। अब देखिए जरा इसमें खेल देखिए कैसा कैसा, पढ़ने ही के समय जब इतना खेल करिएगा तो राजनीति में कौन कौन खेल करिएगा। तो अमेरिका के वेबसाइट में इस विश्वविद्यालय का नाम नहीं है, तो कैलिफोर्निया का जो कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो एक चर्चित यूनिवर्सिटी, लेकिन कब कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी, ये इसके तथ्य कहाँ है? क्योंकि ये गंभीर विषय है कि जिस विश्वविद्यालय से आपने पास आउट होने का दावा किया है, ना आप रोल नंबर बता रहे हैं, किस साल आपने डीलिट की डिग्री ली या नहीं बता रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं खाल मेल है। कहा लिखा हुआ है एफिडेविट में, क्या है एफिडेविट में लिखा हुआ है कैलिफोर्निया पब्लिक विश्वविद्यालय, यहाँ तो लिखे हुए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं कि राकेश कुमार भी है, सम्राट चौधरी भी है। महत्वपूर्ण विषय डिग्री का नहीं होता है, महत्वपूर्ण विषय साख का होता है, या आपकी साख क्या है। हमने तथ्य को रखा है, उनको जवाब देना है। अगर उन्होंने राकेश कुमार का नाम बदला होगा सम्राट चौधरी, तब बजाबता कानूनी प्रक्रिया इसका ना, कानूनी प्रक्रिया के तहत उसके बाद जिस समय आप पढ़ रहे थे कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी में, उस समय किस नाम से थे? 2005 में राकेश कुमार थे, उस समय किस नाम से थे? 2020 में आपका नाम बदल गया, 2020 में अगर नाम बदला, 2015 में आपका नाम बदला, पहले बदला, तो विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट में ही बदला होगा ना, तो सामान्य प्रक्रिया है। इसलिए पारदर्शी तरीके से आदमी को सार्वजनिक जीवन में काम करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। और हमारी उम्मीद है कि 72 घंटा का समय हम दे रहे हैं, 72 घंटा में तथ्यों का खुलासा करिए, नहीं तो और भी झंझटों का आपको झंझावात का सामना करना पड़ेगा।